सूर्य ने निकलना चेंज नहीं किया तो भगवान कैसे बदल सकता है? नए नए भगवान आ रहे, रोज नए नए भगवान आ रहे। अभी तो राम और कृष्ण के ऊपर भी लोगों की श्रद्धाएं कम हो गई हैं और भगवान आ गए मार्केट में। अभी राम चुप बैठे मंदिर में, राम के मंदिर में दूसरी मूर्ति घुसेड़ के बिठा दी है। आजकल की नई मार्केट की मूर्ति वो आई, उसको रख दिया वहां पे। किसी भी घर को देख लो, किसी भी घर को, हर घर में वो नया भगवान आ चुका है। मैं नया और पुराना सबका सम्मान करो, सबको नमस्कार करो, सबका आचरण करो, पर इतना है कि जब नया मिलता है तो पुराने को भूलना नहीं, पुराने में अलग कीमत रहती है। आप सोचिए 2015 में जो 1000 का नोट छप के आया है वो नोट ले लो, और 2000 में जो छपा था वो ले लो, पुराना हो गया। पर दोनों को जब आप सुनार की दुकान पर फाड़ेंगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, 14 साल पुराना जो नोट है उसमें चांदी अधिक निकलेगी, नए में इतनी निकलने वाली नहीं है। कीमत दोनों की समान है, दोनों का मूल्य समान है, पर जब फल आएगा तो पुराने का ज्यादा रहता है। पुराना पेड़ देखो है, पुराना पेड़ कम से कम 100 मीटर एरिया को ठंडा रखता है, और नया पेड़ क्या करेंगे आप? सब कुछ करो पर सबसे पहले भटकना बंद करो, एक स्थान निश्चित करो। मेरी प्रार्थना है सबसे, भगवान को एक देशीय मत बनाओ, वो सर्वदेशीय है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, सर्वोपरि है, सर्वभूत है, वो एक देशीय नहीं है, वो किसी मंदिर मस्जिद में कैद नहीं रह सकता। अच्छा बताओ, इस समय आप पांडाल में कथा में बैठे हैं तो आप अपने घर पे हैं क्या? नहीं। आपके घर में इस समय क्या हो रहा है आपको मालूम है क्या? नहीं। इसको कहते हैं एक देशीय, ये एक देशीय है। और आप अगर सर्वव्यापी होते तो यहां भी रहते और वहां भी रहते, ऐसा आप नहीं, भगवान ऐसा रहता है, सब जगह पर है, सब जगह, कहीं कोई जगह खाली नहीं है। पर ये हमारी खुद की अज्ञानता है कि हमने भगवान को कहीं कहीं माना है और कहीं कहीं नहीं माना है। कहीं कहीं भगवान को माना है, जैसे कोई मंदिर मिल गया रास्ते में तो हम मोटरसाइकिल पे होते हैं तो भी गर्दन झुक जाती है उसके आगे, और जैसे मंदिर गया फिर रावण के पप्पा हो जाते हैं हम लोग, मंदिर आ गया तो ऐसे कर लिया, फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे कर लिया। अरे भाई, मंदिर के आगे ही भगवान है, ऐसे कैसे सोच लिया आपने? वो तो सब जगह है। पर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी नाभि सुगंध नहीं देती है, गंध देती है, बांस। आपकी नाभि में बुराइयां हैं, और जिनकी नाभि में बुराइयां हैं उन्हें भगवान यहां नहीं दिखेगा, उन्हें हृदय के अंदर प्रभु नहीं दिखेगा महाराज, उनको दूरगामी भगवान दिखेगा, दूरगामी, दूर वाला। हाँ, याद रखें। पर आज माता यशोदा की बुद्धि प्रभु ने फेर दी, भगवान को रथ में बिठा दिया गोकुल से बलराम जी के साथ में। दोनों भैया कहाँ जा रहे हैं? संतों की सेवा में, गैया सेवा करने, वहां भगवान की जरूरत है। आज 7 साल के नंद के लाला अपने गोकुल का पूरा उद्धार कर चुके हैं और चले वृंदावन। आप भी चलिए, हम और आप चलते वृंदावन धाम अपार, बजे जा राधे राम। राधे 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 अंगदेवी सरकार, जय
आपने मुंह से राधे शब्द नहीं बोला ना तो हकलाने लग जाएंगे कल से, जीभ तुतली हो जाएगी, घर में पति बोलेंगे ये क्या कर दिया महाराज ने तुझको। महाराज का प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये सब प्रॉब्लम आपका है। इसलिए राधा शब्द जो है वो अपने सिर के ऊपर हाथ करने से बोला जाता है, राधे शब्द। राधे शब्द को ऐसे मत बोलिए, राधे शब्द में हाथ ऊपर होने चाहिए तब फल आता है। और जब राम कृष्ण हरि बोले तब हाथ छाती के सामने होने चाहिए, राम कृष्ण हरि। राधे राधे में ऊपर, राधे 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 राधे, कुंज गली में राधे राधे, मधुबन में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, गोविंद पीछे राधे राधे, पाचोरा में राधे राधे, राम कथा में राधे राधे, मिलकर बोलो राधे राधे, हम सब बोले राधे राधे, बहने बोले राधे राधे, भाई बोले राधे राधे, दादा बोले राधे राधे, दादी बोले राधे राधे, मिलकर बोले राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा, राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा, राधे राधे जपे जा, राधे राधे बजे जा, राधे राधे जपे जा, राधे राधे बजे जा, राधे राधे राधे। राधे राधे लटे जा, राधे राधे
प्रेम अनुराग से कथा का श्रवण कीजिए। दोनों भाई रथ में बैठ गए। नंद के छोटे भाई हैं उपनंद जी, उन्होंने रथ हांकना शुरू किया। गोकुल के गांव के बाहर रथ आ गया। भगवान के सभी सखा भगवान को गांव के बाहर मिले। रथ रुकवाया। माधव ने कहा, कृष्ण आज दोनों भाई अकेले अपने चाचा के साथ कौन सी यात्रा पर जा रहे हो? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। आज भगवान ने कहा कि वृंदावन जा रहे, हमारी माँ ने हमें 6 महीने वृंदावन भेजा है। संत महंतों का दर्शन होगा। भगवान के सखा नाराज हो गए, थोड़े दुखी हो गए और कन्हैया से कहा, कन्हैया ये अच्छी बात नहीं, मक्खन मिश्री जब तुझे खाना था चोरी करनी तो हमारा घर और हम दिखते, और आज जब तू संत महंतों के दर्शन के लिए जा रहा है तो हमें बताया तक नहीं। भाई हम तो गरीब हैं और गरीबों का सब दुनिया फायदा उठाती है, तो तुमने भी उठाया। हमारे पास न पैसा है न रथ है, हमारा रथ होता तो हम भी लोग चले जाते। भगवान को अपने मित्रों की गरीबी की विचारधारा जो है दुखी कर रही है। भगवान ने बलराम से कहा, भैया वृंदावन में हमारी कहाँ पहचान है, न कोई जानता है न पहचानता है, और हम छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, साधु बड़े बड़े रहेंगे, हमारा कैसे जमेगा, मन कैसे लगेगा। इसलिए नई जगह जा रहे हैं तो चलो इन सखाओं को साथ ले लो, इनके साथ में मन तो लगेगा और ये हमारे साथ घूम आएंगे, संतों का दर्शन कर आएंगे। भगवान ने अपने गोकुल के बचपन के सभी मित्रों को रथ में बिठा लिया और वृंदावन का मार्ग पकड़ लिया। बहनों, जैसे भगवान जंगल के मार्ग से वृंदावन जा रहे थे, यमुना के किनारे किनारे कंस के गुप्तचरों ने कंस को जाकर सूचना दी कि आज नंद के दोनों बालक जंगल में अकेले हैं। कंस ने उसी समय उन्हें मारने के लिए योजना बना डाली। महाराज जंगल का मार्ग, कंस ने बड़े बड़े राक्षस जो रूप बदलना जानते हैं, मायावी हैं, उनको जंगल में यथा यथा स्थान बिठा दिया छुपा कर। भगवान वृंदावन की सीमा में पहुंच गए, रथ से उतर गए, रथ छोड़ दिया। मर्यादा तो देखो, 7 साल के भगवान को इतनी मर्यादा है। जहां साधु संतों का आगमन है, साधु संतों का जहां आश्रम है, जहां साधु खुद नंगे पैर धरती पर घूमते हैं, वहां हमें जूता चप्पल पहन के भी नहीं जाना चाहिए, गाड़ी घोड़े बंगले कार से भी नहीं जाना चाहिए। आश्रम के बाहर जाइए, आश्रम तक जाइए, तीर्थ तक जाइए, कथा तक आइए, पर थोड़ा नग्न पैर चल के भी पहुंचना चाहिए। भगवान जैसे ही वृंदावन में यमुना तट पर पहुंचे, रथ छोड़ दिया, नंगे पैर भगवान पहले यमुना में गए, और जब भगवान यमुना में गए तो भगवान को यमुना में आक्रमण कर दिया बकासुर नाम के दैत्य ने।
जो यमुना में पानी में बगुले का भेष बनाकर पक्षी बनकर बैठा है। दृष्टि पात्रेन यथागतम, अंतर्यामी परमात्मा ने पहचान लिया कि यह मामा का भेजा हुआ दूत है। भगवान ने उसकी गर्दन मरोड़ दी और उसे पानी में फेंक दिया। भागवत कहती है, शास्त्रो गतेन तिष्ठम अंत विधि कृत्वान संस्कारम। भगवान के हाथ से जिसे मृत्यु आई है उसका संस्कार अच्छा होता है, चाहे वो दुष्ट पापी ही क्यों हो। हमारे हिंदू धर्म में तीन प्रकार से अंत्येष्टि की जाती है। अंत विधि, उत्तम विधि कौन सी है? अग्नि में भस्म करना शरीर को, गाय का घी डालकर, हवन सामग्री डालकर, थोड़ी चंदन की लकड़ी लगाकर, पीपल आम की लकड़ियों में शरीर को भस्म करना चाहिए, ये उत्तम विधि है। और इसके बाद द्वितीय मध्यम विधि, प्रमाद गितान पृथ्वीभ्याम, 11 फुट गहरा गड्ढा धरती में खोदकर, अनेक प्रकार के इत्र धरती में अंदर छिड़क कर, शरीर के वजन से 3 पट ज्यादा नमक डालकर शरीर को मिट्टी में दफना दें। और अधम सबसे निकृष्ट विधि है, जिंदे आदमी के स्वरूप में मरे व्यक्ति को बहते हुए पानी में डाल दिया जाए, वो भी विधि है पर वो निकृष्ट है, अधम कोटि की है और वो दुष्ट जनों को प्राप्त होती है। ये राक्षस दुष्ट था इसलिए भगवान ने उसकी विधि तो कर दी पर उसे बहते पानी यमुना में प्रवाहित कर दिया। महाराज गति हो गई पर उसके संस्कार उत्तम नहीं मिला, फिर भी गति हुई क्योंकि भगवान के हाथों से शरीर को प्रवाह किया गया है। गुरुवर्य युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए 1 वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में 1 रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स। हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202, +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है श्री इंद्रदेवजी महाराज@gmail.com।